WHO की लेटेस्ट ब्रीफिंग के अनुसार चाइना में कोरोना वायरस अब थमने लगा है। कुछ दिनों से चाइना में एक भी कोरोना वायरस का नया केस सामने नहीं आया और जहां 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित थे, जिनमें से 70% के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। ये खबर चाइना के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन अब इस वायरस ने चाइना के बाहर 120 देशों में अपना घर बना लिया है। चाइना ने तो निपट लिया, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश भारत पर है। भारत में हर रोज 15 से 20 नए मामले वायरस के सामने आ रहे हैं। भारत में अभी तक ये वायरस केवल बाहर के देशों से आए हुए लोगों में मिल रहा था, पर अभी देश के अंदर भी लोग आपस में संक्रमित होने लगे हैं। पहले बस एक दो राज्य से ही कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे थे, लेकिन अब भारत में भी 12 राज्यों में कोरोना फैल चुका है। हाल ही में पुणे में 2 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका में 3-3 नए केस पॉजिटिव टेस्ट पाए गए हैं और केरला में 6 नए कन्फर्म केस सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि साथ ही तो कह रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है, और साथ ही इसके बिल्कुल उलट कि 60,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। ये क्या मामला है? ये गोती सुलझाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट के बिना ये अवेयरनेस वीडियोस बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सही खबर है कि 60,000 से ज्यादा लोग इलाज करवा के घर जा चुके हैं। केरल में भी 3 लोगों का इलाज किया गया था। एक्चुअली बात ये है, इसमें सिम्टोमैटिक बेस्ड सपोर्टिव थेरेपी से इलाज होता है। अगर किसी इंसान में कोरोना जल्दी डिटेक्ट हो जाए, तब तक वायरस बॉडी ऑर्गन्स में ज्यादा नहीं फैल पाता, तो जो भी अवेलेबल एंटीडॉट है, जो लोगों पर अच्छे रिजल्ट्स ला रही है, उनसे उनका इलाज किया जाता है। जब कोरोना वायरस फेफड़े और हार्ट तक फैल जाए, तो HIV एड्स की लोफिनाविर और रेटोनाविर ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से इलाज किया जाता है। जयपुर में 2 मरीजों पर इसी ड्रग से कॉम्बिनेशन से इलाज चल रहा है। अगर चाइना कर सकता है तो बाकी देश भी कर सकते हैं। बस भारत को भी चाइना की तरह प्रिपेयर्डनेस और टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को कमर कसनी होगी। कोरोना से अवेयर रहना, जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है, और अगर हल्का सा भी संदेह है तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट किया जाए। पिछले कुछ दिनों में जब भी आपने किसी को कॉल किया होगा तो कोरोना वायरस की जागरूकता के बारे में आपको रिंगटोन सुनाई दी होगी। सरकार अवेयरनेस के लिए कई कदम उठा रही है, क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स अफवाहें फैल रही है। आप प्लीज इनसे बचिए। जब से कोरोना नाम के रहस्यमय वायरस का पता चला है, तब से ही आइसोलेशन, क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे शब्द भी सुनने को मिल रहे हैं। चलो इन्हीं को समझाती हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस का कोई एंटीडॉट तो मिला नहीं अभी तक कि इंजेक्शन या फिर वैक्सीन लगवाओ और ठीक हो जाओ। अभी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की पारंपरिक तरीके आइसोलेशन, क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही वायरस को काबू में किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोलेशन क्या है। आइसोलेशन यानी मरीज को चिन्हित कर सबसे अलग रखना, ताकि वो बाकी लोगों के कॉन्टैक्ट में ना आए और बाकी लोगों तक ये वायरस फैले भी ना। ये हमारे देश में सालों से करते आ रहे हैं। जब भी किसी को चिकन पॉक्स हो जाए या बोलो तो माता निकल जाए, सबसे पहले उस पेशेंट को अलग कमरे में रखा जाता है, यानी कि आइसोलेशन में रखा जाता है। यही चीज कोरोना वायरस के केस में भी फॉलो की जा रही है। अब बताती हूँ कि क्वारंटीन क्या है। अगर कोई भी इंसान वायरस से संक्रमित देश या जगहों से आया हो तो उसको 14 दिनों तक अलग जगह रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के सिम्टम्स को सामने आने में 14 दिनों तक का समय लगता है। आपने सुना होगा जापान के डायमंड प्रिंसेस क्रूज की कहानी। किसी भी इंसान को 14 दिनों तक बाहर नहीं निकलने दिया गया था। अब बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद वो पेशेंट बाकी कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया होगा, जिससे खतरा है कि उनमें भी कोरोना वायरस से संक्रमण हो गया होगा, उन सभी लोगों को ढूंढने की प्रोसेस को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है। याद है आपको दुबई से आया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने बेंगलोर से हैदराबाद बस में ट्रेवल किया था। सरकार ने उस बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को ट्रेस किया था। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इतना प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।